मेरी गाड़ी में पैसे भी पड़े, ठीक है, 1.5 लाख रुपए मेरी गाड़ी में पड़े। इंसान बन जाओ। नहीं, मैं इंसान इंसान ही हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, ब्लैकमेल करते हैं, सड़क मेरी नहीं, तो मेरा काम नहीं है मेरी गाड़ी। अगर मुझे भाई ये अगर मुझे ब्लैकमेल करना चाहिए, नहीं नहीं, बस 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 बस, ये वाले खुद पुलिस के हवाले करेंगे। जो मिनट सब तो जनाब, जो वीडियो आपने देखी, ये वीडियो वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पे मैंने गुज़श्ता रोज़ एक शख्स को थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक बच्ची को बांध कर उसे बेलिबास करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, और फिर बेलिबास करने के बाद भी उसकी वीडियो बनाई गई। ज़ाहिर है हम यही हिस्सा आपसे शेयर कर सकते थे। उसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं, और फिर इस वीडियो की बुनियाद पर जो कि उसे बरहना करने के बाद बनाई गई, उसे कई साल तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। और जब हमने कल इस ब्लैकमेलर को पकड़ा, तो इसने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी गाड़ी से 1.5 लाख रुपया चोरी कर रही है। तो ज़ाहिर है मैं एक इंसान हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पर नहीं, एक एंकर के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर मेरा हाथ उठ गया। और ये कोई चोरी छुपे मैंने नहीं किया, किसी टॉर्चर रूम में नहीं किया। मुझे अंदाज़ा था बहुत सारे कैमरे ऑन हैं, मोबाइल लोगों के चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं ख़ुद पे काबू नहीं रख सका। और ये तो वो वजह है जो मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन क्या ये अमल जो मैंने किया ये इसकी जस्टिफिकेशन है? कतन नहीं। ये अमल मैं समझता हूँ गलत था, गलत है, और हमेशा गलत रहेगा। इसकी बुनियाद पे ना मुझे ना किसी और को ये हक पहुँचता है कि वो आइंदा किसी पर हाथ उठाए। उस शख्स ने जो किया उसकी FIR गुज़श्ता रोज़ हो गई उसके ख़िलाफ़। उससे पहले भी औरतों को ब्लैकमेल करने की और इकदामे कत्ल की FIRs थी उस पर। मुझसे जो गलती सरजद हुई, मैं उसका सामना करने के लिए कानूनी तौर पर तैयार हूँ। वो शख्स अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो मैं सरेंडर करता हूँ कानून के सामने ख़ुद को। लेकिन रीज़न क्या थी उस मासूम बच्ची की वीडियो, उस मासूम बच्ची को ब्लैकमेल किया जाना कई साल तक, उसके आंसू वो आप प्रोग्राम में देखेंगे जुम्मे के रोज़, और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाना। लेकिन अगेन मैं अदम तशद्दुद का बहुत बड़ा हामी रहा हूँ। किसी भी सूरत हाल में किसी पर भी हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं इसे गलत अमल मानता हूँ, अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, और इस गलती के कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नताइज, उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ।